हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं आपकी ट्यूटर और मैं आज आपके लिए लाई हूं एमएस वर्ड 2016 में लेक्चर नंबर 4। आज की जो हमारी फर्स्ट टिप्स है वो ये है कि हमने सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यूज विद कंट्रोल प्लस F9 को किस तरह से इस्तेमाल करना है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपने कंट्रोल प्लस F9 कीबोर्ड से प्रेस करना है और उसके बाद इक्वल टू और उन वैल्यूज़ को टाइप करना है जिनको आप सम करना चाह रहे हैं, जैसे 5 प्लस 9। और इसके बाद आपने इसी वैल्यू के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और अपडेट फील्ड पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो वैल्यू जिनका हम सम करना चाह रहे थे, ये देखिए उनका सम हो चुका है। इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। आप लोगों ने फिर कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करेंगे, इक्वल टू वो वैल्यू जिसको आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और दूसरी वैल्यू जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर हम इनके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और अपडेट फील्ड पर क्लिक करेंगे तो ये देखें मल्टीप्लाई का आंसर भी हमारे पास आ चुका है। इसी तरह हम थर्ड करते हैं डिवाइड का। स्टार्ट करते हैं कंट्रोल F9 को प्रेस करेंगे और इक्वल टू इसके साथ वो वैल्यू जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, डिवाइड का सिंबल देंगे और दूसरी वैल्यू जैसे हम कर लेते हैं 5, और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, अपडेट फील्ड पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि डिवाइड का भी हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इस तरह हम वर्ड में रहते हुए सम, मल्टीप्लाई और डिवाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आज हमने पढ़ा कि कंट्रोल प्लस F9 का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। वीडियोज़ देखने के लिए शुक्रिया।